Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Sarasat Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschadde Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maitaha Preyasam Prishthe Durasthe Gokulastriyaha Smarantyanga Vimohyanti Virahot Kanthya Kataraha Dharayantati Krishna Prayaha Pranam Kathanchana Pratyagaman Sandesai Vallabhya Me Madatmikaha Shri Sukha Uvacha Itukta Uddhavo Rajan Sandesam Bharturadritaha Adaya Ratamaruhya Prajajau Nanda Gokulam Prapto Nanda Brajam Shriman Nimlo Chati Vibhavasau Channayanaha Nirvishatam Pasunam Kurarenubhihi Vashitarthe Vijudhyadbhihi Naditam Susmibhirvrishaihi Dhavantibhischa Vashvashrabhihi Rudho Bharahi Sovatsakam Itastato Vilanghadbhihi Govatsair Manditam Sitahi Godoha Sabda Bhiravam Venu Nani Swanena Cha Gayanti Bhischa Karmali Shubhani Balakrishna Yoha Swalankrita Bhir Gopi Bhir Gopaischa Suvirajitam Agnirka Tithi Govipra Pitri Devarchananvitai Dhupa Deepaischa Malaischa Gopa Vasahi Manoramam Sarvataha Puspitabanam
द्विजाल कुल नादितं हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मसन्दैश्च मण्डितम्। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार उक्तः कथित होकर उद्धवः उद्धव राजन हे महाराज परीक्षित संदेशं संदेश कुछ लिखित संदेश और कुछ मौखिक संदेश भर्तु अपने स्वामी श्री कृष्ण का आदृतः सम्मानित आदाय लेकर भगवान के दिए हुए पत्र को बहुत संभाल करके और उनके मौखिक वचनों को मन में धारण करके रथम आस्थाया रथ रथम आरुहिया रथ पर चढ़कर प्रयोज गए नंद गोकुलम नंद महाराज के ब्रज में प्राप्तः प्राप्तः है प्राप्तो नहीं है प्राप्तः पहुँचे नंद ब्रजम नंद महाराज के ब्रज में श्रीमान उद्धव जी परम सुंदर लग रहे थे निम्लोचते अस्त होते समय विभावसो भगवान सूर्य के भगवान सूर्य जब है अस्ताचल के निकट पहुंचे उस समय छन्नयानः रथ ढका हुआ था निर्विशतां पशूनां वन से ब्रज में प्रवेश करते हुए पशुओं के गायों के खुर रेणु भी है खुर से उड़ी हुई धूलि द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करके कहते हैं हे राजन जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा और अपना लिखित पत्र दिया तो उसको लेकर उद्धव जी ब्रज में चले भर्तु संदेशम आदाय अपने भर्तार भरण करने वाले स्वामी के संदेश संदेश को आदाय लिए मौखिक संदेश को मन में धारण किए और लिखित पत्र को संभाल करके अपने झोला में पैकेट में जैसे रखे होंगे रखे चले उद्धव जी बड़े ही सावधानी से स्नेह से आदर से भगवान के संदेश को रख
मन में रखने का आशय यह है कि भगवान जो भी वचन बोले उन एक एक शब्दों को धारण कर लिए, एक एक शब्द ध्यान में रखे कि ऐसे बोलना है, नंद बाबा से इस प्रकार बोलना है, माँ जसोदा से बोलना है। और आद्रितः का अर्थ है जो भगवान के संदेश को बड़े ही आदर के साथ ग्रहण किए। आद्रितः का एक अर्थ है उद्धव जी अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण ने उनका बड़ा आदर किया, बहुत स्नेह दिया। तो भगवान के संदेश को रथ पर लेकर के रथ पर चढ़े, रथ पर चढ़कर नंद गोकुलम प्रायः आए, प्रकर्षण जयऊ प्रयऊ जयऊ का अर्थ आए गए, और प्रकर्षण विविध मनोरथ के साथ। जब वे रथ पर चढ़े थे तो जिस प्रकार श्री अक्रूर जी ने विविध मनोरथ किया था कि मैं श्री कृष्ण को ऐसे प्रणाम करूंगा, वे अपना हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखेंगे, उद्धव जी बारंबार यही चिंतन कर रहे थे कि मैं एक एक बात कहूंगा श्री राधा रानी से, यह बात कहूंगा जो श्री कृष्ण ने कहा है, और यदि वे गोपीजन तर्क करेंगी तो मैं तर्क द्वारा ही उनका समाधान करूंगा, और भगवान ने जैसे कहा है उसको एज इट इज प्रस्तुत करूंगा, इस तरह से विचार कर रहे थे। बदलूंगा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था मत संदेश है विमोच है, मेरे संदेश से ही गोपियों का दुख दूर होगा, तुम अपनी कुछ बात या उसमें परपोर्ट आदि मत लिखना, जो मैं कहा हूँ उसको कहना। तो उद्धव जी एक एक बात का बड़ा ही चिंतन करते हुए जा रहे थे बहुत स्नेह से, और सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी का भाव ये था भर्तु, श्री कृष्ण हमारा भरण करने वाले हैं। भर्तु शब्द का केवल अर्थ ही नहीं कि मकान दे दे, भोजन दे दे, कपड़ा दे दे, भरण करे, प्रेम रत्न के द्वारा उद्धव जी का भरण करना चाहते हैं भगवान। तो उद्धव जी ने विचार किया कि अवश्य हमारा परम हित करने के लिए श्री कृष्ण हमको भेज रहे हैं, जो हित मथुरा में नहीं हो सकता था वह भरण ब्रज में होगा। ऐसा आदरपूर्ण भाव था उद्धव जी का भगवान के प्रति, इसलिए पत्र की बात और भगवान के मौखिक संदेश की बात को बारंबार सोचते हुए जा रहे थे। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, श्रीमान उद्धव जो श्रीमान, श्रीमान का अर्थ है श्री से युक्त, बहुत ही सुंदर लग रहे थे क्योंकि भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, ब्रजवासियों को समझाने जा रहे हैं, और भगवान का उतारा हुआ मुकुट, भगवान का वस्त्र और भगवान की माला, ये सब धारण किए थे। इतने सुंदर लग रहे थे जैसे द्वितीय भगवान ही जा रहे हैं ब्रज में, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमान उद्धव कह रहे, श्रीमान। मनुष्य की शोभा ऐसे तो होती ही है सब आभूषणों से, लेकिन जब भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत होता है, भगवान से प्रेम करता है, भक्ति करता है, तो उस व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। सुखदेव गोस्वामी का शब्द है श्रीमान उद्धव। वे नंद ब्रज में पहुंचे चल करके, और जब नंद ब्रज में पहुंचे
उस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे, ठीक यही टाइम था। मैंने सोचा भी था कि सवेरे भगवान उनको भेज रहे हैं तो सवेरे की कथा होगी, पहुंचेंगे तो शाम करेंगे। तो उद्धव जी निम्नलोचती विभावसु, विभावसु भगवान सूर्य को और अग्निदेव को भी कहा जाता है, दोनों बहुत प्रकाशित थे, इसलिए विभावसु का अर्थ है सूर्य। सूर्य निम्नलोचती जब डूबने जा रहे थे, अस्ताचल के निकट पहुंचे थे, तब पहुंचे। उस समय उद्धव जी का रथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्रज में जब पहुंचे तो इतने पशु लौटे थे, लौट रहे थे वन से, गायें लौट रही थी और जल्दी जल्दी लौट रही थी अपने बछड़ों को, बच्चों को दूध पिलाने के लिए जल्दी जल्दी वन से लौट रहे थे। इस कारण से खुर रेणु भी उनके खुर से पैर से इतनी धूलि उड़ रही कि धूलि के उड़ने से उद्धव जी का रथ दिखाई नहीं पड़ रहा। किसके द्वारा दिखाई नहीं पड़ता था? ब्रजवासियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता था। और खुर रेणु भी क्षण नहीं आना, और क्यों आवृत था, क्यों नहीं दिखाई देता था? तो खुर रेणु भी, यहाँ ये अगर पूछा जाए कौन नहीं देख रहा था, ये सुखदेव गोस्वामी तो अपने भाव नेत्र से देख ही रहे हैं, लेकिन गांव के लोग देख नहीं पाए उद्धव जी को, कोई नहीं देख पाया, क्योंकि भगवान ने जो उनको संकेत किया था, सबसे पहले नंद बाबा से मिलना, उनको मेरा प्रणाम कहना और ये संदेश कहना और कहना, इसके बाद माँ यशोदा से मिलना, और इनसे पूरी तरह से मिल करके इनको समझा करके तब श्री गोपीजनों से मिलना। तो उद्धव जी परम चतुर हैं, व्यवहार कुशल हैं, तो शाम को पहुँचे, पहले से प्लान कर लिए थे कि जब गायों की खुर से रज उड़ेगा उसी समय प्रवेश करूँगा, जिससे कोई दूसरा न देख पाए। और ये यद्यपि ब्रज में कभी गए नहीं थे, लेकिन नंद बाबा के घर का एड्रेस वगैरह भगवान से लिखवा लिए थे, गांव में किधर घर पड़ता है, नंद गांव में मैं जाऊंगा तो नंद बाबा का घर किधर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या बीच में कहाँ है, घर का आकार क्या है, किस तरह से है। तो भगवान ने बताया सबसे सुंदर भवन है, ऊंचे पर्वत पर है, इस तरह से लोकेशन बताया था। तो वहाँ पहुँचे, छन्न यान, जब यान ढक गया था तो उद्धव जी कैसे नहीं ढकेंगे धूल धूल से। ब्रज में जब ये पहुँचे तो इनका ब्रजरज से अभिषेक हो रहा था। ये पहली कृपा तो ये थी, एक तो ब्रज की धूल और दूसरे परम पवित्र गौओं के खुर से उड़ी थी धूल। गोरज ऐसे ही सबसे बड़ा पवित्र चीज माना जाता, गाय की धूल। उद्धव जी चारों से धूल पड़ रही थी, गायों की धूल उड़ उड़ करके इनके मुकुट पर, माला पर, वस्त्र पर पड़ रही थी, और इसके बाद भी ज़्यादा ज़्यादा धूल उड़ी थी, इस कारण से दिखाई नहीं पड़ रहे थे, छन नहीं आना, अतः प्रवेश करने में कोई देखा नहीं। सीधे नंद बाबा के जब दरवाजे पर पहुंचा रथ, तो उस समय नंद महाराज ने देखा उद्धव जी को, तो तुरंत खड़े हो गए और आकर के अगवानी किए, पशु नाम खुल रहे हैं। शाम के समय जब गौएं आती हैं चर करके वन से, जल्दी जल्दी चलती हैं, और जल्दी जल्दी चलने के कारण उनके पैर से खुर से धूलि उड़ती है, खुर रेणु उससे छन आना। ब्रज वर्णन पांच श्लोक में
ब्रज का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। मन लगा है ना भगवान जिस धाम में रहते हैं, जहाँ के स्थान में, वहाँ की क्या शोभा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रज भगवान के बिछुड़ने से बिल्कुल हतश्री हो गया है, शोभा नष्ट हो गई, लेकिन श्री भगवान उद्धव जी को अपने वास्तविक ब्रज का दर्शन कराना चाहते थे। इसलिए भगवान की इस योग माया शक्ति से कुछ देर के लिए ब्रज बिल्कुल आनंदित है। कुछ देर के लिए क्या, जो नित्य उसका स्वरूप है उस रूप में हो गया, कोई शोक मोह आदि दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप लोग पढ़कर के स्वयं समझेंगे, वासितार्थे विजुद्धिर्भिर नादितम सुष्मिभिर वृषय, सुष्मिभिर वृषय ही, सुष्मि का अर्थ है मतवाले, आनंदित, बहुत से नंदी थे ब्रज में, साढ़ थे, और वे परस्पर युद्धयत भी युद्ध कर रहे थे। युद्ध कर रहे थे कोई अस्त्र लेकर के नहीं, एक दूसरे को परास्त करना चाहते थे, सिंह से जैसे लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे, वासितार्थ थे, वासिता के लिए, वासिता कहते ऋतुमती गाय के लिए वे लड़ रहे थे। पहला वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं इस तरह, उनको सुष्मी का अर्थ है मत, अर्थात आनंद में विभोर थे, सांस परस्पर। तो ऐसे वृषों से नादितम, वे सांग है, हकड़ रहे थे, बोल रहे थे, तो यह शब्द बड़ा सुंदर था। ब्रज का पहला वर्णन है कि बैलों के द्वारा नादितम ब्रजम, नादित वासितार्थे, वासिता के लिए, ऋतुमती गाय के लिए भी परस्पर युद्ध कर रहे थे। पहला वर्णन है कि प्रचुर बैल थे, सांड थे ब्रज में, ब्रज की इसी में शोभा है। और दूसरा वर्णन कर रहे हैं धावंत भीश्च वाश्रा भी उदो भारे सवत्सकान, गौएं दौड़ रही थी, सांड युद्ध कर रहे थे तो उससे भी धूल उड़ रही थी, और गौएं धावंती भी धावन कर रहे थे। कहाँ धावन कर रहे थे, सोबत सकाल अपने अपने बछड़े के निकट दौड़ कर जा रहे थे। और अब इनका वर्णन भी है, वाश्रा कहते हैं, वाश्रा का अर्थ है जो गाय नया बच्चा दी है अभी तत्काल में, तो अपने बच्चे के लिए वो स्नेह से दौड़ती है चाटने के लिए, दूध पिलाने के लिए, इसको वाश्रा कहते हैं, तत्काल ब्याई हुई गाय को वाश्रा कहते हैं। तो अनेक वाश्राएँ, अनेक गौएँ थीं जो अपने अपने बच्चों के लिए दौड़ रही थीं। उधो भार है, उनके थन बहुत बड़े बड़े थे, दूध से भरे हुए, फिर भी दौड़ रहे थे, इसका मतलब स्वस्थ थी सभी गौएँ। उधो भारे, गौ का विशेषण है जिनका उधह का अर्थ होता है थन, जिनका दूध से भरा हुआ थन भारी भारी था, फिर भी दौड़ रहे थे बच्चों के प्रति। इतस्ततो विलंघत भीर गो बच्चर मंडितम सीते, इतस्ततो इधर उधर जब बछड़े दूध पी लिए थे तो दूध पिए हुए बछड़े खूब विलंघन करते हैं, खूब दौड़ते हैं इधर से उधर, सीते और प्राय सभी बछड़े उजले थे, व्हाइट थे, सीते ही गोवत्स ही इतस्ततः विलंघत भी मंडितम। तो सांडों के द्वारा मंडित, गौओं के द्वारा मंडित, और इधर उधर खुदकते हुए भागते हुए गाय के बछड़ों से
मंडित, ये है श्रृंगार ब्रज का। ऐसा बछड़ा कोई भगवान ने नया नहीं देखा जो बांध दिया गया है खूंटा पर और चुपचाप, और कसाई के समान सारा दूध निकाल लेना, बछड़ों को पीने न देना, ऐसा दृश्य नहीं था ब्रज। इतस ततः विलंघत भी, तो दूध पीने के बाद सब इधर उधर फान रहे थे। ये स्वभाव है बछड़ों का, इनके द्वारा मंडित। मंडित इस सब जगह नादितम के बाद मंडितम, गौओं का नाद हो रहा था, अपने बच्चों के लिए बोल रहे थे, छोटे छोटे बछड़े बोल रहे थे और दूध पी लिए, तो सब इधर उधर विलंघन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। और गोदोह शब्दाभिरवम, गोदोह शब्द से अत्यंत सुंदर लग रहा था। गोदोह शब्द का क्या अर्थ है? गौओं के दुहने की आवाज घरर घरर, और दूसरी बात है गोदोहन में जो शब्द होता है, दे ही गृणी ही बर्तन दो, ये बछड़े को पकड़ो, ये भर गया है पात्र इसको ले जाओ, गृहाण इसको लो, इसको लो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको छोड़ दो, मतलब बछड़ों के लिए, ये बछड़ा पकड़ो, बछड़ा पकड़ो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ये हो गया है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो उसको घोष कहाँ ही जाता है, जहाँ पर हमेशा घोष हो, आवाज हो, उसको घोष कहते हैं। तो कैसी आवाज? गोदोह है आवाज, गोदोहन में आवाज। अनेक गौएं थी, अनेक दुहने वाले दुह रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत गौएं रहती हैं तो गुदोहन के समय बहुत व्यग्रता होती है, आवाज होती है और बहुत क्रिया होती है। श्रीधर स्वामी जी ने इसको लिखा है, इसको लो, इसको दो, दूध भर गया, इसको ले जाओ, ले जाओ, उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब छोड़ दो छोड़ दो, इस तरह से बहुत शब्द हो रहे थे। बहुत सुंदर शब्द हो रहे थे ब्रज में, इसको गोदोह शब्द कहते हैं। गोदोह का अर्थ है गोदोहन काल और स्थान, और वहां पर जो शब्द हो रहा है वो है, और उन शब्दों से अभिनवम, बहुत सुंदर आवाज हो रही थी। उन शब्दों से अभिरमम का यह अर्थ है अत्यंत सुंदर ढंग से नादित था वह ब्रज, नादित ऊपर भी जैसे कहा गया, और मंडितम गोदोह शब्द अभिरमम। और इसके साथ साथ कुछ लड़के वेणु नाम नि सोने न चल बांसुरी बजाते रहते थे। भगवान जब ब्रज में हैं तो उनसे सीखे हैं, और अभी भी सखाओं को श्री कृष्ण के सान्निध्य का अनुभव होता है, उनका दर्शन प्राप्त होता है। गोप सखाओं के लिए वियोग नहीं था कृष्ण का, ये मथुरा में जब थे तब भी ब्रज में वे गाय चराने में प्रकट रहते थे। केवल वियोग का दुख का अनुभव हुआ दो दो लोगों को, दो दो तरह के लोगों को, एक तो नंद बाबा और जसोदा को और दूसरे श्री गोपियों को। गौओं को बिजोग का अनुभव नहीं हुआ, भगवान साथ में जाते थे चराने के लिए और सखाओं के साथ खेलते रहते थे। अतः इनका वर्णन है कि ये सब बड़े सुखी थे। वेणु नाम निःस्वने च, वेणु की ध्वनि से ब्रज सुशोभित है। वेणु की आवाज, बांसुरी की आवाज एक अलग ही शोभा की बात है। और कोई बच्चा कब बांसुरी बजाता है, वेणु बजाता है? जब वह आनंद में होता है, सुख में होता है तो बजाता है।